फ्री ने वार्ता की है, आइए आपको सुनवाते हैं। सामने बैठे थे तभी भी धक-धक हो रहा था बहुत। आप लोग एक दूसरे को कभी मिलते हैं या पहली बार मिले? नहीं मिलते हैं हम लोग। मिलते रहते हैं। मतलब आप लोगों का पुराना कारोबार है। तो जब आपको ये सूचना मिली होगी तो क्या लगा आप लोगों को? इस मोमेंट तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये कुछ होने जा रहा है ऐसा। पहले मिलेंगे फिर ही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि मालूम नहीं कैसे कब। हाँ, ऐसे आजकल तो फेक की दुनिया है। सर अभी भी नहीं लग रहा है कि आप सामने हैं। अच्छा होने दीजिए। मेरे को यकीन नहीं हुआ पहली बात तो कि आपने बुलाया। तो सर एक बार लगा कि जो आपसे ये बात करने का मौका मिलेगा डेफिनेटली हम लोग फ्रंट फुट में आ जाएंगे और हमारा जो सबका एक गोल है ना वो आज वैलिडेट हो गया सर। वो गेमिंग की जीत हो गई सर। आप बुलाए वो आज सर इंडस्ट्री जीत गई। जो थोड़े दिन पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड हुआ था इवन उस टाइम को भी हमें यही लगा था कि फाइनली इतने सालों के बाद ऐसे लग रहा है कि क्रिएटर्स गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग हमारे क्रिएटिविटी। जो हम यूट्यूब पे करते जो हमें लगता था कि हाँ हमारे लोग देख रहे हैं फैंस देख रहे हैं यही हो रहा है बट हम लोगों ने उस क्रिएटिविटी वाले अवार्ड में भी अप्लाई किया था। मैं तो गया था सर। हम तो बिल्कुल आपके इतने दूर बैठे हुए थे तो उससे भी यकीन नहीं हो रहा था। परिचय बता दीजिए भले सबका। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिमेश अग्रवाल है। मैं 28 साल का हूँ। मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मैं बहुत ही यंग एज में पढ़ाई कर रहा था जब मैं सीए का। कोई यंग एज में पढ़ाई करता है? जी सर वही मतलब कंपेयर टू कि अभी भी 28 साल का ही मैं खुद को यंग ही मानता हूँ तो मैं और यंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं सीए का पढ़ाई कर रहा था। मैं सीए फाइनल्स तक पहुँचा था और मैं सीएफए और एफआरएम की भी लेवल 1 दे चुका था। मैंने अपने माता पिता से एक साल का ब्रेक मांगा था अपने पढ़ाई से गेमिंग की करियर को परस्यू करने के लिए। जब मैं 2018 में स्टार्ट किया मैं सोच के पूछा था कि एक साल मैं गेमिंग में पूरा दूंगा और कुछ बनने की कोशिश करूंगा। तो परिवार में क्या रिएक्शन आया? सर क्योंकि मैंने पढ़ाई करके रखी थी और मेरे पास बैकअप बहुत स्ट्रांग था कि गेमिंग में कुछ नहीं कर पाता वापस जाके पढ़ाई कंटिन्यू कर पाता। तो इसलिए माता पिता हमेशा सपोर्ट किए इस चीज़ को। और सर मेरा गोल यही है कि मैं गेमिंग को इंडिया में आगे बढ़ाऊँ और सबको जो भी युवा फॉलो कर रहे हैं हम सभी को इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को उनको करेक्ट डायरेक्शन दिखाऊँ गेमिंग से अच्छा क्या कर सकते हैं और उसी की तरफ काम आगे करने की कोशिश चल रही है सर। मुसीबत ये हो जाएगी कि जब भी आप कोई ठग बोलेगा किसी को भी आप दिखाई देंगे और कोई आपको देखेगा तो कहेगा यार ये तो अच्छे इंसान है उसको ठग कैसे बोल रहा है। सर वो चीज़ लेकिन एक भी बच्चे की गेमिंग में थोड़ा नाम बना लिया तो गेमिंग वाले लोग अब ठग से अच्छे नज़र से मुझे देख रहे हैं। ठग से ठग पे देख। हाँ, और मैं दुनिया एकदम भी ठगी नहीं कर रहा हूँ सर। मेरा नाम अंशु बिष्ट है। वैसे मेरा गेमिंग नाम गेमर फ्लीट है सर। मैं आता हूँ हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड से। तो मैं सर वैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा एक प्राइवेट स्कूल में 30 साल तक उनने बस कंडक्टरी करी थी ताकि मैं और मेरी दीदी को वो स्कूल में पढ़ा सकें। मैंने थोड़े ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट करे बच्चों को, एक दो जॉब्स ले ली, फिर अपना खुद का कंप्यूटर बनाया एक। सर आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी तो उनका बनता है कि ऐसे सोचना कि आप समझ रहे हो ना कि आपका बच्चा बस कंप्यूटर में बैठ के चिल्ला रहा है दिन भर। क्योंकि सर थोड़ा होता है कि मतलब चिल्लाना इन द सेंस कि मतलब खुश होना कि तभी लोग देखते तो खुश होते हैं ना कि अरे वाह इसको कितना मजा आ रहा है तो उन्हें मजा आता है। यानी आपको एक्टिंग भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत ताकि व्यूअरशिप बढ़े। तो हाँ सर करनी तो पड़ती है सर। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है आपको इस दुनिया में? सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सर कि मतलब अगर आपको पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हो इन दी एंड सर, जैसे आपका है कि आप देश को आगे ले जाना चाहते हो, आप देश को एक स्तर पे ले जाना चाहते हो बहुत, तो वैसे ही मेरा भी था कि मतलब मैं भी कुछ ऐसा करूं कि दुनिया वाहवाही करे। मेरा नाम नमन माथुर है और लोग मुझे मॉटल के नाम से जानते हैं। मैं पला बड़ा मुंबई में ही हूँ, नवी मुंबई में। और जब मैं 4 साल का था मेरे पापा गुजर गए थे। मम्मी ने मुझे और मेरे बड़े भाई को रेस किया, उन्होंने टिफ़िन सर्विस किया, सब कुछ किया। और 2015 में मोबाइल आ गया था हाथ में, तब तो शुरू किया था खेलना। पहले तो स्कूल कॉलेज में दोस्तों से बातें करते करते पता चला होगा। मैं गेमिंग में को खुद से वो यूट्यूब देख के आया था। मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ तुम भी हो गए। बस 2015 से लेके 18 तक जब तक मेरा बीकॉम पूरा कम्प्लीट हुआ उतने में मैंने ये फिगर आउट किया कि ये जितने भी फॉरेन यूट्यूबर हैं हम जिन्हें देख रहे हैं इनके कमेंट सेक्शन में सारे इंडियन हैं। यानी ये सब जो दुनिया भर के अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनमें भी इंडियन सारे कमेंट करने वाले इंडियंस हैं। मेजॉरिटी मेरे को जो दिखते थे इंडियन ही दिखते थे और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं उनसे इंस्पिरेशन लेके और अपलोड करूँ।
और मैंने वो वीडियो 2018 में अपलोड किया और वो इंस्टेंटली वही वीडियो जो उस सोच से बना था वायरल हो गया। उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया इंडिया को, अनिमेश से मिला 2018 में मैं, हम लोगों ने कंपनी भी शुरू की अपनी SATUL। इमॉर्टल नाम कैसे रख लिया? भारत में तो लोग इमॉर्टल की बात करते हैं, लोग सब जगह मैं देख रहा हूँ इमॉर्टल नाम रख रहे हैं, तो मैंने बस अच्छा कुछ नया कर इमॉर्टल कर दिया उसको। मेरा नाम पायल धर है, सब लोग पायल गेमिंग के नाम से जानते हैं। मैंने इन सब के बाद स्टार्ट किया है एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंडिया की लीडिंग फीमेल क्रिएटर बनूंगी। मैं बहुत ही छोटे गांव से हूँ, मैं MP में छिंदवाड़ा करके जगह है, इंदौर के पास में है, तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मुझे गेमिंग में इंटरेस्ट था बट घर पर फैसिलिटीज नहीं थी, 12th तक भी हमारे पास घर पर फ़ोन नहीं था खुद का, तो गेमिंग में थोड़ा थोड़ा इधर उधर देखते रहते थे या दोस्त के जो भाई वगैरह है वो कैफेज जाते थे गेम खेलने, तो वहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज आया कि गेमिंग भी कुछ होता है। तभी के टाइम पे यूट्यूब पे गेमिंग पॉपुलर होने लगी थी इंडिया में भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसको एक ट्राई दूँ और लड़कियों को भी एक ऐसा ऑप्शन मिले कि इसमें भी आप करियर बना सकते हो। लड़कियों का इसमें आना कितना संभावनाएं बढ़ती है? सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि बाहर जाके काम ना करें एंड कई फैमिली में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि बच्चियों को मौका नहीं दिया जाता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेबल करियर ऑप्शन है। एंड जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया, तो सर थोड़ा घबरा रही हूँ। आप थोड़ी छांक लीजिए फिर बात करते हैं। मेरा नाम मिथिलेश पाटनकर है, मेरा गेमर नेम मिथपैट है। मैंने जो ट्राई किया है कि हमेशा से यूनिक कंटेंट देना है एंड आई थिंक उसी के वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं, तो गेमिंग एंटरटेनमेंट मिमिक्री ये सब मिलके मैं बनाता हूँ मेरे वीडियो पूरा सलाड बना देते हैं। मैं चाहता था कि इंडिया से ऐसा कंटेंट मैं बनाऊं जो बाहर के लोग भी देखें, लोग अप्रिशिएट करें। आज से 2 साल पहले एक स्ट्रीमी अवार्ड्स होता है, बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड, सो इंटरनेशनल कैटेगरी में आई वाज द ओनली इंडियन टू गेट नॉमिनेटेड एंड लॉस एंजलिस में अवार्ड होता है, सो आई गॉट दैट अवार्ड एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन ऑफ एक बहुत प्राउड अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए ये। नमस्कार सर, मेरा नाम तीर्थ मेहता है, मैं भुज कच्छ गुजरात से हूँ और मैं 2014 से हार्टस्टोन नाम की एक गेम है उसमें कम्पीट कर रहा हूँ। तो भुज में ये बीमारी कहाँ से आई? सर ये तो ऐसा है ना कि हर कोने कोने में फैली हुई है, अभी तो लोग आपको कच्छ में जानते हैं कि ऐसे कुछ कर रहे हैं आप। तो प्रधानमंत्री ने ई गेमिंग से जुड़े जो तमाम युवा हैं उनके साथ बात की। ये तमाम वो प्रमुख गेमिंग क्रिएटर्स हैं जिनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है ई गेमिंग को लेकर वो एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ सकता है। तमाम ये यंगस्टर्स थे जो साफ तौर पर कह रहे थे कि ई गेमिंग के अंदर ये जो पूरा सेक्टर है इसमें कई संभावनाएं हैं, असीम आकाश हैं जब हम बात करते हैं तमाम उन विकल्पों की एक करियर ऑप्शन को लेकर।